उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में चुनावी रंजिश को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। हरिद्वार से माई भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। भगवानपुर के हालू मजारा गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। कई साल पहले इस उप केंद्र को बनाया गया था, जो पूरी तरह से खंडर बन चुका है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रांत सिरोही ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र का मामला संज्ञान में आने के बाद आला अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जल्दी वहां की बिल्डिंग का रास्ता बनवाकर इलाज की शुरुआत की जाएगी। भगवानपुर से माई भारत के लिए सुफियान अलवी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के समय काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को गद्दार बताया। उनके इस बयान को विपक्षी पार्टियों ने उनकी हार से पहले की बौखलाहट बताया। काशीपुर से माई भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में 17 फरवरी को दो हाथियों के बीच हुए खूनी संघर्ष में दूसरे हाथी की भी मौत हो गई। वहीं से पहले भी एक हाथी की मौत हो चुकी थी। हाथी का शव चिंदरवाला के पास सोंग नदी में बरामद होने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही। ऋषिकेश से माई भारत के लिए अमित कांडियाल की रिपोर्ट। IIT रुड़की ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के लिए किसान मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। भारत मौसम विभाग नई दिल्ली के अपर महानिदेशक डॉक्टर के सिंह ने बताया कि ऐप में किसानों की आवश्यकता अनुसार समय समय पर आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे, जिससे ये ऐप किसानों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। रुड़की से माई भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। रुड़की के पिरान कलियर थाना पुलिस ने चुनाव के दौरान पकड़ी गई कई लीटर शराब को नष्ट कर दिया। साथ ही पुलिस ने जुए में बरामद की गई कुल रकम को इकट्ठा कर ट्रेजरी में जमा किया। हरिद्वार धनौरी के चसवा वाला गांव में कई दिनों से आतंक मचाए गुलदार की दहशत अब खत्म हो गई। इलाके में गुलदार दिखने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी। इसके बाद पहुंची टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर दिया। हरिद्वार से मई भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। कानपुर की चकेरी पुलिस को बदमाशों ने चुनौती देते हुए लेन देन के विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी। हत्या कर बदमाश ने युवक के शव को खंडर में फेंक दिया। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर से मई भारत के लिए दीपक की रिपोर्ट। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सूर्यभान यादव ने पार्टी के सभी पदों को इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया। जौनपुर से माई भारत के लिए राजधानी की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित कर जनता से एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। नड्डा ने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ा, आतंकी हमला किया, उनको छुड़वाने का काम अखिलेश यादव ने किया। पिछली सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लेकिन योगी सरकार में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सुल्तानपुर से मई भारत के लिए शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हरदोई के शाहबाद में बीजेपी प्रत्याशी रजनी तिवारी के समर्थन में बीजेपी सांसद राजवीर सिंह राजू ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। यही वजह है कि पिछली सरकारों से शोषित प्रदेश का पिछड़ा वर्ग अब भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। शाहबाद से मई भारत के लिए पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। भदोही के ऊंच थाना क्षेत्र के अकोड़ा गांव में घर की लिपाई पुताई के लिए तालाब से मिट्टी की खुदाई कर रही दो महिलाओं की मिट्टी का धुआं गिरने से उसमें दबकर मौत हो गई। भदोही से माई भारत के लिए मिथिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने माता के दर्शन कर विंध्य कॉरिडोर निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी कुल देवी के दरबार में हाजिरी लगाने आए थे। परिवार के लोग भी अक्सर माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं। मिर्जापुर से माई भारत के लिए प्रज्वलार की रिपोर्ट। सीतापुर के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जनपद में होने वाले 23 फरवरी के मतदान में जनता से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन स्वयं भी मतदान करें और अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों से भी अनुरोध करें कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सीतापुर से माई भारत के लिए सुनीश तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर नगर समेत कानपुर देहात की सभी सीटों पर तीसरे चरण के दौरान हुए मतदान में सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी दिखाई दी। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को लेकर जनपद को 18 जोन और 133 सेक्टर्स में बांटा गया, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट और 15 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 179 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। कानपुर देहात से माई भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर के किदवई नगर में स्थित KK महाविद्यालय ने आदर्श बूथ का तमगा हासिल किया। यहाँ पर आने वाले मतदाताओं का टीका लगाकर स्वागत किया गया और मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। कानपुर की सभी विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान में यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना ने अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर हरिजिंदर नगर इंटर कॉलेज में मतदान किया। कानपुर नगर की मेयर प्रमिला पांडे और बीजेपी नेता नवाब सिंह पर मतदान गोपनीयता भंग करने के आरोप में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दोनों पर बीजेपी को वोट देते हुए वीडियो डालने का आरोप लगाया गया। कानपुर नगर से माई भारत के लिए दीपक की रिपोर्ट। कानपुर देहात में हुए मतदान में जिले में तैनात आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह ने अपना मतदान मिल्किन पुरवा गांव में अपने बूथ में दिया। मतदान कर उन्होंने कहा कि संविधान से हमें मत देने का अधिकार मिला, इस अधिकार को देखते हुए हमने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों से मत जरूर करने की अपील करता हूं। कन्नौज के हसरेन क्षेत्र के पूर्व जादेशाह में ग्रामीणों चुनाव का बहिष्कार करते हुए गाँव के अन्य लोगों से भी वोट न देने की अपील की। ग्रामीणों ने कहा कि गाँव में अब तक रोड नहीं बन सकी है, इसलिए अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। कन्नौज से माई भारत के लिए अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें माई भारत।